पानी आ रहा है ना सीधा अपनी गाड़ी की। चाय दोगे या चाय पियोगे? आप ही आ जाओ, इधर से आ जाओ। आंटी कितना टाइम कहते हैं पीछे वाले टायर में देखना है, कितनी मस्त लग रही है चलती गाड़ी में, मस्त लग रही है ना भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये वाली चीज डालनी चाहिए। देखो कनाडा वाला सारा सिस्टम, यहाँ कनाडा वाली फीलिंग्स आ रही है। तो काश अपना ड्रोन भी ठीक होता तो यहाँ उड़ा। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज के व्लॉग की स्टार्ट हो रही है भाई गुजरात से। फाइनली हम गुजरात पहुंच चुके हैं भाई। गुजरात पहुंचने का भाई अहमदाबाद। अभी हमने अहमदाबाद पार किया गाइस, और अपने साथ है अपने पाजी पंजाब से, मतलब रात को ही हमें ये मिल गए थे। तो पालनपुर में, पालनपुर से हम इकट्ठे हो गए थे, और भाई रात को बारिश वगैरह कुछ नहीं थी। सुबह में उठ के क्या देख रहा हूँ भाई, बारिश, क्योंकि सुबह 5 बजे में सो गया था। उसके बाद पठान भाई बारिश में पता नहीं कहाँ से गाड़ी घुसेड़ लिया के, वो भी रश में। भाई एक चीज बोलूंगा यार, बाकी कुछ होना हो कसम से गुजरात वाली लाइन ना दिल को छू गई। आप वापसी देखेंगे क्या, अगर वापसी अच्छा होगा तो फिर गुजरात लाइन पक्की चलेंगे। तो चलो भाई रखते हैं यहाँ से कंटिन्यू सफर। सुना कि एक्सप्रेस आएगा जहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, और ये रही गाड़ी अपने साथ में भाई। बारिश तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, और देख रहे हो कंटिन्यू चल रहा हूँ भाई के साथ। यहाँ ना एक बोर्ड लगा हुआ आ रहा है, बार बार लिखा हुआ आ रहा है कि मतलब आप एक्सप्रेस पे गाड़ी नहीं रोकना। मुझे ये नहीं पता ये वाला एक्सप्रेस है या वहाँ एक्सप्रेस पे चढ़ना है। पठान भाई आप आए हो ना पहले एक बार, आप बताओ ज़रा एक्सप्रेस ये वाला ही आगे आएगा? एक तो ये मुंबई एक्सप्रेस आगे आएगा ना। और देख रहे हो बच्चे मेहनत कर रहे हैं स्कूल वाले, और यहाँ पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ असाइनमेंट भी लिखने हो रही है, और साथ साथ गाड़ी भी चल रही है भाई। मतलब रोड ऐसी हो ना फिर कोई टेंशन नहीं है भाई, देख रहे हो रोड ऐसी हो भाई अपना काम कर रहा है, असाइनमेंट भी लिख रहा है और गाड़ी भी चल रही है। फिर रह गया 218 किलोमीटर, ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई। अब रब जाने कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बारिश है ना, और बारिश में ना हमें ये टेंशन नहीं है कि हमारे मतलब माल भीग जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि तिरपाल ना हमने अच्छे से बांधा भाई। देखो जिम्मेवारी समझनी चाहिए, अगर आपके गाड़ी में माल है ना उसको अच्छे से बांध के रखो ताकि उसमें पानी वगैरह न जाए। अभी सुनने में आया कि आगे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पानी वगैरह है, तो चलो भाई आगे चलते हैं, फिर देखते हैं भाई। चलो आगे चलो भाई। टायरों से जब पानी आ रहा है ना सीधा अपनी गाड़ी की शो पे पड़ रहा है भाई। खींच रखो पाजी। हमारे साथ पाजी है ना कसम से भाई बहुत अच्छे, ये बॉम्बे जा रहे हैं। इन्होंने बोला कह रहा था भाई हमारी लाइन ना मतलब पंजाब से बॉम्बे, बॉम्बे से पंजाब, और यहाँ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, नेशनल एक्सप्रेस वन बिग जॉय राइड। चलो भाई देखते हैं क्या जॉय राइड है, लेकिन सारा मजा खराब कर दिया भाई बारिश ने। ठीक है बारिश में गाड़ी चलाने का तो कुछ चलो मजा है, बट गाड़ी की शो वगैरह ना सारी गंदी हो जाती है, जो साथ से गाड़ी निकलती है उसकी सारी मिट्टी यहाँ पड़ती है। गुजरात में एक चीज़ मैंने देख ली भाई, रोड है ना बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर नहीं घूमती इधर भी नहीं घूमती, और बंदा ना बोर हो जाता है भाई। मतलब चला देना स्टीयरिंग, हिलाना ना कुछ, बस पकड़ के रखो और कंटिन्यू चलो। यहाँ देख रहे हो नदी में पानी भी आ गया भाई बारिश की वजह से, और यहाँ लग चुका है भाई जाम, क्योंकि रोड का ना काम चल रहा है। अरे यार ये क्या हो गया, क्या हो गया? ठोक गए भाई। देख रहे हो गाड़ी ना सीधा सीधा चल रही है हमारी, देखते देखते यहाँ से गाड़ी जाके वहाँ बजी। मुझे लगता है भाई को नींद आ गई, यही टाइम होता है सुबह का भाई जब बंदे को नींद वगैरह आती है। हम एक्सप्रेस को बोलने वाले हैं भाई, क्योंकि भाई यहाँ से ये रोड सीधी कहाँ जा रही है पठान साहब, मुझे भी नहीं पता भाई। और यहाँ से ना हम घूम कहाँ पे, वादुदारा, और यहाँ से हम ना घूम जाएंगे सीधा एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे बॉम्बे एक्सप्रेस पे। और भाई ने बोला कि राजा भाई बॉम्बे एक्सप्रेस ना खुला हुआ है अभी, 70 किलोमीटर ये चल रहा है, तो थोड़ा टूल भी बच जाएगा और गाड़ी को ना अजाब वगैरह भी नहीं होगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं भाई और सीधे बॉम्बे एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं भाई। ये वाला नज़ारा ना कुछ अलग सही है भाई, यहाँ ना गाड़ी को अजाब नहीं है, और ऊपर से देखो गाड़ी सुकून से चल रही है, ना खड्डे ना कुछ। रात को ना हमारी अपनी गलतियाँ में एक लिंक रोड पर घूम के वो भी मैप के थ्रू, जिसकी वजह से गाड़ी के टायर में सरिया लगा और गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हो गया। यहाँ आके रुक गए क्योंकि भाई देख रहे हो अपनी गाड़ी ना सिर्फ इस चीज़ की वजह से गंदी लग रही है भाई, व्हील कप तो डालना ही डालना है, बाकी देख रहे हो। हाँ जी की हाल है जी, मजा आ गया इस रोड से पाजी? अपने घर को अपने अबोर से ही, अपने भाई जी अबोर से ही है। रात को ना भाई ने मतलब बैठ गया, मैं इनसे पहले आ जाता लेकिन रात को गाड़ी के टायर में सरिया चढ़ गया, तो उसकी वजह से ये मेरे से पहले फिर इनने बैठ गया, तो इकट्ठे आए। मतलब मुझे अच्छा लगा सफ़र करना अपने भाई के साथ, क्योंकि ये चल भी रहे हैं ना अपने हिसाब से। पाजी ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? ये बड़ौदा से। बड़ौदा से? हाँ जी।
ये सारे में मिल जाएगी। व्हील कप के ऊपर तो नहीं लगती कि लग जाती है? नहीं, ऐसे लग जाएगी पत्ती के ऊपर ही, पत्ती के ऊपर। भाई देख रहे हो ये कितनी प्यारी चीज़ लग रही है, क्या बात है, क्या बात है जी। बाकी चलो देखते हैं नई चीज़ें क्या लेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, जो कहाँ नोखा में जो गाड़ियाँ बनती हैं, अगर वहाँ से रेडियम करवाऊँगा अपनी गाड़ी में हो जाएगी? बिल्कुल। वापसी का रास्ता वहीं से निकलता है कोई? भाई बताएंगे, क्योंकि ये ना यहाँ के किंग है। चलते ही बॉम्बे ही चलते हो ना पक्के? हाँ बॉम्बे ही चलते हैं भाई, इनकी गाड़ियाँ सारी बॉम्बे चलती हैं। तो इनके साथ जब वापसी निकलेंगे, आप तो भाई का आ गया ना, सनी भाई है ना नाम आपका, सनी भाई का नंबर मेरे पास है, तो चलेंगे वहाँ से। तो चलो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम बॉम्बे जाएंगे। जब हम सेब भर के आएंगे ना, आप भी आओगे, हम कश्मीर से सेब भर के आएंगे। बॉम्बे से आपको परमानेंट लोडिंग मिलेगा, 10,000 का लोड है परमानेंट। चलो ये भी अच्छी बात है। अभी टूल वगैरह नहीं खुला मेरे हिसाब से। कितने किलोमीटर जाना है? 70 किलोमीटर? 70 किलोमीटर तक चालू है, बाकी अभी 5-6 महीने लग जाएंगे। चलो भाई ये भी अच्छी बात है। पठान साहब कर लो चेक, फिर लो कैमरा, चाय वगैरह पीते और उसके बाद रखते हैं अपना सफर कंटिन्यू। राजा भाई क्या है भाई, चाय दोगे? चाय पी रहे हैं यार, देखो आंटी यहाँ ना। चाय दोगे या चाय पियोगे? आप ही आ जाओ, इधर से आ जाओ। आंटी कितना टाइम हो गया दुकान को? कितना टाइम हो गया? 2 महीने। चाय पीते हो? मेहनत इसको बोलते हैं, मेहनत। भाई देख रहे हो अभी भी आंटी की एज भी काफी है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं अच्छी सी चाय वगैरह। और चाय पी के ना ऐसे लग रहा है जैसे घर की चाय पी रही हो भाई, ठीक है? तो चाय वगैरह पीते हैं, दोनों गाड़ियाँ वहाँ पे, और बारिश भी लगी हुई है, तो बारिश से बचने के लिए हम यहाँ पे बैठ गए। तो चाय वगैरह पी के भाई फिर यहाँ से निकलेंगे और कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जाएंगे अपने स्टेशन पे। सोनू भाई बताएंगे हमें मंडी कहाँ पे। वेलकम वेलकम भाई, ऐसी बारिश का ना कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि एक जगह ना आगे से थोड़ा सा रफ्तरपाल ऊपर था, तो मैंने सोचा कि अब तक खराब हो जाए। तो चलो रखते हैं यहाँ से बॉम्बे एक्सप्रेस का नज़ारा। मेरे ख्याल से ना अगर व्हील कप की जगह हम ये वाली चीज़ डालेंगे ना, देख रहे हो भाई गाड़ी के ना पीछे वाले टायर में देखना है, कितनी मस्त लग रही है चलती गाड़ी में, मस्त लग रही है ना भाई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वाली चीज़ डालनी चाहिए। जब ये हाईवे ओपन हो जाएगा ना, तब ये वाला टूल आपको लगेगा, मतलब एक्सप्रेस पे चढ़ के ये वाला लग गया, और जब बॉम्बे उतरोगे ना तब वो वाला होगा भाई, देख रहे हो। अभी तो टूल सारे बंद है क्योंकि अभी रोड ना खुले नहीं है। कहना 12:30 बज चुके हैं भाई, और एक बात कहना चाहता हूँ जो भाई नए आ रहे हैं यहाँ पे, भाई देखो अगर एक्सप्रेस पर चढ़ रहे हो तो गाड़ी में कुछ खाने के लिए रख दो भाई, क्योंकि अभी ना भूख से हालत खराब हो चुकी है भाई। सनी भाई आगे आगे चल रहे हैं, पठान भाई अपना काम करके सो गए, क्योंकि भाई ने ना असाइनमेंट वगैरह लिख रहे थे वो लिख दिए। भाई देखो पढ़ाई भी ज़रूरी है, और अभी कंटिन्यू चल रहा हूँ भाई, देख रहे हो। और ये चीज़ चेक कर रहे हो भाई, ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको, टैंक मैंने फुल करवाया था भाई पूरा अपना अबोर से, और यहाँ पहुँच गया। चलो भाई देखते हैं आगे का हिसाब रहता है। नींद का कारण भाई देख रहे हो, ये नींद में बंदा आया और नींद में ही सो गया, ये बंदा नींद में आया और नींद में ही सो गया भाई, ऐसा नहीं किया करो यार। देखो अगर रात को नींद आ रही है ना आपको, होटल में गाड़ी लगाओ और आराम से सो जाओ। देखो हम भी चल रहे हैं 2-3 दिन से भाई, लेकिन फिर भी हमने रात को रेस्ट ली। और यहाँ देख रहे हो एक भाई ना अपर हाइट लेके, वो ये भी रॉन्ग साइड है, मुझे लगता है माल पलटी कर रहा है भाई, देख रहे हो। एक्सप्रेस पे भाई देखो टाइम तो शॉर्ट है, ये मतलब रोड तभी बन रही है कि आपका टाइम बचे या सब कुछ हो, बट ऐसे नहीं करोगे यार बंदे का एक्सीडेंट ही हो जाए टाइम बचाने के चक्कर में। मतलब ये रोड तभी बनी है कि कंफर्ट, ड्राइवर को कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम तो ना हो, बट अपनी गलती कर रहे हैं, नींद में गाड़ी कभी पलट जा रही है, कभी क्या। ऐसा मत किया करो भाई, 5-10 मिनट रुक लिया करो, 1-2 घंटे नींद भी पूरी कर लिया करो। यहाँ से ना हम नीचे उतर गए, और मेरे ख्याल में ना यहाँ पे हम रुकेंगे, यहाँ या तो कुछ खाने पीने का सामान, या तो कुछ शॉप्स वगैरह होंगे खाने के लिए, होटल्स वगैरह होंगे, अगर वो भी नहीं हुए, ढाबा वगैरह भी नहीं हुआ, तो यहाँ से हमें कहीं अलग होना है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। भाई ने बोला 70 किलोमीटर चलना है, तो अभी तो हम सुबह से चल रहे हैं, क्या पता 70 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया या नहीं, क्योंकि यहाँ पार्किंग वगैरह दिख रही है, और वहाँ ढाबा भी लिखा हुआ है, ढाबे पर ढाबा भी लिखा हुआ है। चलो भाई गाड़ियाँ लगाते हैं पार्किंग में। और गाइज हमारा है भारत भी ना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है भाई, देख रहे हो जगह जगह ना एक्सप्रेस के साथ ऐसी पार्किंग वगैरह बन रही है, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह पार्क करके हम आराम से खाना वगैरह खा सकते हैं। के खाना कौन है? ढाबा है क्या? ढाबा बस कोई बात नहीं, पार्किंग है, कनाडा बन रहा है, ये भी इंडिया भी कनाडा बन रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो भाई ये रही पार्किंग, देख रहे हो यहाँ ना बहुत सारी गाड़ियाँ, वहाँ भी खड़ी है, वहाँ भी। पठान साहब भी उठ गए,
गाड़ी लॉक करो, चलो चलते हैं। क्या भाई ढाबा, ढाबे पे जाना है, कुछ खाना है भाई। और ये पार्किंग देख रहे हो, एक्सप्रेस पे लिखा हुआ है भाई, आप एक्सप्रेस पे गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। तो कल राजस्थान वाले जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा, उसमें हम गाड़ी इसलिए पार्क कर रहे हैं क्योंकि वो अभी ना अच्छी तरह से चला नहीं, उसमें ऑनलाइन टूल्स वगैरह नहीं हुए कंप्लीट भाई, सिर्फ ढाबा वाली साइड काट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे कर ली पार्क, बाइक की भी और अपनी भी। वहाँ देख रहे घोड़ा लगा हुआ, वहाँ भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब बहुत बड़ी जगह है। बहुत कम्युनिकेशन सेंटर आ गया, वहाँ रहे ढाबे और वहाँ भी रहे भाई। तो पंप वहाँ पर है भाई, देखो कनेडा वाला सारा सिस्टम, यहाँ कनेडा वाली फीलिंग्स आ रही है। तो काश अपना ड्रोन भी ठीक होता तो यहाँ उड़ाते, क्योंकि भाई आपको पता भैया ड्रोन क्रैश हो गया था, उसकी वजह से अभी तक ठीक नहीं कर रहा है। तो चलो पहले ढाबे पर चलते, कुछ खा भी लेते हैं। खाना वगैरह अपना हमने नहीं बनाया, अब सीधा सूरत जाके ही बनाएंगे भाई, फिर इसके बाद दिखाएंगे आपको अपना नेक्स्ट सफर। भाई राजा भाई कहीं गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे से छुप के आ गए। मुझे बोला खाना खाने जाओ, तो छुप के कहीं चले गए। ओ भाई देखो कहाँ पे बैठ गए बाजी के साथ, ये चक्कर, मुझसे छुप के इसको पता चलेगा कि नहीं मुझसे। तो छुप के हम पहुंच चुके हैं, रेस्ट रूम भी बोल सकते हो, होटल भी बोल सकते हो, और मतलब चाय वाय जो भी है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ की भाई मुझे अच्छी लगी पार्किंग में, मतलब यहाँ की सफाई, सफाई देख रहे हो बहुत प्यारी। और पार्किंग वगैरह जो है ना, वैसे अभी भी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है भाई। देख रहे हो हमने चाय ऑर्डर की, अभी चाय वगैरह बन रही है, चाय वगैरह पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे भाई। और सबसे अच्छी और बेस्ट चीज़ यहाँ की है सफाई भाई, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो अभी इनकम्प्लीट काम है, कम्प्लीट चल रहा है भाई, काम वगैरह कंप्लीट चल रहा है। तो चलो चाय वगैरह पीते हैं फिर। पार्किंग देख लो, ये नहीं कि छोटी पार्किंग है, यहाँ कितनी गाड़ियाँ आ सकती है, 10-20 हज़ार गाड़ी आ जाएगी आराम से भाई। देख रहे हो पार्किंग वहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ से 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर की पार्किंग। हाँ 2-3 किलोमीटर, मतलब बीच ऐसे पार्किंग की पार्किंग है। एक चीज़ चेक कर रहे हो, इस रोड पे ना एक्सीडेंट बहुत होते हैं यार, इसलिए ना भाई ड्राइव सेफ, ये चेक करो। आगे से ना टोटल लॉस हुआ है, मतलब भाई है, देखो यार रोड तो साफ है, लेकिन हम कल से इतने एक्सीडेंट देखे भाई, इतने देखे ना कि हम थक ही गए भाई, बहुत सारे एक्सीडेंट। जब से इस पे चढ़े ना, मतलब 3 एक्सीडेंट हमने देखे। जो पूरा ट्रिप हुआ उस ट्रिप का ना सारा मजा यहाँ खराब हो गया भाई, देख रहे हो सारा मूड खराब हो गया। मतलब यहाँ ना सिटी के अंदर आके ना बहुत बकवास रोड भाई, बाकी हर जगह अच्छी थी, ये रोड इतनी कब से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई, देख रहे रोड की हालत भाई, देख रहे हो। कभी सोचा ही नहीं था भाई यहाँ आके ना ऐसी बारिश देखनी पड़ी, भयंकर भाई, इतनी बारिश खतरनाक वाली। बाहर आप देख सकते हो, अमजद भाई लगाओ कैमरा जरा, देख रहे भाई इतनी बारिश के डर लग रहा है रोड पे जाने से भाई। इस रोड में ना खड्डे वगैरह हैं, तो पता भी नहीं चलेगा खड्डा कौन सा और कौन सी जगह सही है। अभी यहाँ से खाना वगैरह खा के निकल गए। और भाई एक चीज माननी पड़ेगी, गुजरात में गुजराती होटल पे खाना खा के ना बहुत अच्छा लगा, और जेन्युइन पैसे भाई, खाना भी एक नंबर और पैसे भी अच्छे उन्होंने लिए, मतलब पैसे सस्ते लिए, ज्यादा नहीं लिए, जायज पैसे जो है। तो यहाँ से निकलेंगे भाई, क्योंकि भाई फोन कर रहा है बार बार, अपना सफर रहेगा सिर्फ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी मंडी में। छोटी गाड़ियों वाले ना ज्यादा तंग कर रहे हैं। और भाई इस रोड, ये पहली रोड देख रहा हूँ मैं जिस पे बहुत ज्यादा रश है। भाई देख रहे हो रोडों पे इतना पानी आ गया ना कि ऐसा लग रहा है जैसे बस यहाँ फ्लड होने वाला है, रब ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई फिर भी देखो रोड में